नमस्कार, स्वच्छ भारत में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ शिखा सचदेवा। स्वच्छ भारत मिशन एक विशाल जन आंदोलन है जिसके तहत पूरे भारत वर्ष में स्वच्छता पर ध्यान दिया जाता है। आज चाहे ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों पर सफाई की बात करें, गलियों की सफाई की बात करें, शौचालय का निर्माण हो या फिर स्वच्छता के कार्यक्रमों की बात हो, इन्हीं सब को बढ़ावा दिया जाता है। और आज यही आंदोलन, यही मिशन धीरे धीरे सफलता की ओर आगे बढ़ रहा है। इसी कड़ी में आइए हम आपको लेकर चलते हैं झारखंड राज्य के सिमडेगा जिले के कसई प्रखंड में, जहां लोगों की जागरूकता के कारण आज उसे ओपन डेफिकेशन फ्री घोषित कर दिया गया है। स्वच्छ भारत मिशन का सपना, खुले में शौच मुक्त भारत अपना। सिमडेगा जिले का करसई प्रखंड स्वच्छता की राह में स्वर्णिम उदाहरण प्रस्तुत करता है। करसई प्रखंड जिला मुख्यालय से 40 किलोमीटर तथा राज्य मुख्यालय से 200 किलोमीटर की दूरी पर अवस्थित है। करसई प्रखंड आदिवासी बहुल क्षेत्र है। करसई प्रखंड में 100 टोला है जो लगभग 30 किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला हुआ है। करसई प्रखंड के अधिकांश गांव पहाड़ एवं जंगलों के बीच है, फिर भी स्वच्छता का परचम लहरा रहा है जो राज्य के लिए उदाहरण है। सिमडेगा जिला के करसई प्रखंड, जो हमारा बहुत दुर्गम क्षेत्र है, वहाँ की पहाड़ियों से घिरा हुआ प्रदेश है, उसको हम लोग सभी के प्रयास से, वहाँ के जन प्रयास से, यूनिसेफ के लोगों के प्रयास से, सभी के प्रयास से हम लोगों ने उसको आज की तिथि में ODF बनाया है। आपको जानकर ये खुशी होगी कि 7023 घरों में शौचालय का निर्माण हो चुका है और लगभग 92% लोग इसका आज उपयोग कर रहे हैं। शेष जो भी बचे हुए हैं वो शीघ्र ही हमारे जन सहयोग से और सरकारी प्रयास से उसका भी उपयोग करने लगेंगे। एक वर्ष पूर्व जिला प्रशासन सिमडेगा के सहयोग से स्वच्छता मिशन के कार्यक्रमों का आरंभ किया गया। ग्रामीणों के उत्साह एवं प्रयास से करसई के अधिकांश टोले स्वच्छता को अपने दिनचर्या में शामिल कर चुके हैं। ग्रामीणों के अल्प आय शौचालय को बड़े पैमाने पर निर्माण किया गया। खुले में शौच के दुष्प्रभाव के बारे में जानकारी के लिए प्रेरक गतिविधियों को शामिल किया। स्वच्छता से संबंधित तथ्यों को जानने के बाद ग्रामीणों द्वारा ग्राम जल स्वच्छता समिति का गठन किया गया। गांव को खुले में शौच मुक्त बनाने के लिए जनप्रतिनिधि, ग्रामवासी, जल संहिता, यूनिसेफ के प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन के सहयोग से गुणवत्ता युक्त शौचालय का निर्माण हुआ। मैं अपनी पढ़ाई का काम छात्रावास में करती थी, वहाँ शौचालय में मुझको शौच करना पड़ता था। तो जब मैं घर आती थी तो मुझको लगता था इतने खुले में मैं जाऊंगी तो मेरे महिला और मेरा मन में ठेस लगता था, मुझको अच्छा नहीं लगता था, लज्जा आती थी। इसलिए मैं स्वच्छ भारत मिशन के तहत सभी के घर परिवार में शौचालय बन रहा है और यूनिसेफ की सहायता से और जिला प्रशासन के जितने भी लोगों की सहायता से मैं इस काम को सफलतापूर्वक कर रही हूँ और अंत तक करूँगी। दुर्गम इलाकों के गांवों में शौचालय निर्माण के लिए ग्रामीणों द्वारा श्रमदान कर निर्माण सामग्री पहुंचाई गई।
शौचालय का निर्माण समय पूर्ण हो, इसके लिए गांव के निगरानी समिति का गठन किया गया। समिति के सदस्यों द्वारा ट्रेनिंग जैसी प्रेरक गतिविधियों को प्रतिदिन सुबह शाम क्रियान्वित किया गया। स्वच्छता के व्यापक पहल को बताने एवं विविध समुदाय के सभी वर्गों को सम्मिलित करने के लिए धर्मगुरुओं को बैठक में बुलाया गया। इस प्रयास से ग्रामीण प्रेरित होकर शौचालयों का प्रयोग कर रहे हैं, साथ ही गांव के चारों ओर सफाई दिखता है। जिला प्रशासन सिमडेगा का निर्देश अनुसार जिले के सभी विद्यालयों में शौचालयों का प्रयोग, बच्चों को शौच के उपरांत स्वच्छ होने की प्रक्रिया के बारे में शिक्षकों एवं सामाजिक कार्यकर्ता द्वारा जानकारी लगातार दी जा रही है। झारखंड के सबसे पिछड़े और अनुसूचित जनजाति क्षेत्र में पड़ता है ये एक बड़ी उपलब्धि यूनिसेफ, जिला प्रशासन सिमडेगा और सिमडेगा के जनप्रतिनिधियों के संयुक्त प्रयास का ये नतीजा है कि सिमडेगा जिला जो राज्य का पिछड़े जिलों में है, उस जिले का भी सबसे पिछड़ा और सुदूर ब्लॉक राज्य में तृतीय स्थान पर ODF होने का दर्जा प्राप्त किया, तो सिमडेगा के लिए ये बड़ी उपलब्धि है और इसके लिए हम वहाँ के जिला प्रशासन, त्रिस्तरीय पंचायत के मुखिया, जल सहिया और प्रखंड प्रमुख और यूनिसेफ की पूरी टीम को बधाई देते हैं। स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत, स्वच्छ कर सही स्वस्थ कर सही। करसे प्रखंड के जागरूक ग्रामीणों द्वारा अपनी राशि व्यय कर पक्का शौचालय भी बनाया जा रहा है, जबकि स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत अधिकांश परिवारों को शौचालय निर्माण से लाभान्वित किया जा चुका है। करसे प्रखंड की स्वच्छता की मुहिम एवं जन क्रांति का रूप ले चुकी है, जिसको देखकर ऐसा लगता है सिमडेगा जिला शीघ्र ही खुले में शौच मुक्त हो जाएगा। सिमडेगा जिले के निवासियों के सहयोग से जिला प्रशासन सिमडेगा माननीय प्रधानमंत्री भारत सरकार के सपने को साकार करेगी। चार पाँच छह पंजे तीस, दिमाग तो हवाई जहाज ही तेरा। नाना राकेट। हाँ हाँ राकेट। राकेट जी कहाँ? अम्मा खेत में आई है। जा रख ले। हा? मुन्नी बीमार जो होने वाली है। बीमार? खुले में शौच करेगी, उस पे मंडराएंगी मक्खियाँ, फिर वही मक्खियाँ तेरे बनाए खाने पर बैठ उसे दूषित करेंगी और मुन्नी को बीमार। घर में शौचालय बनवा और इस्तेमाल कर। स्वच्छ भारत मिशन, एक कदम स्वच्छता की ओर। जहाँ सोच वहाँ शौचालय। कसई प्रखंड से आइए आगे हम आपको लेकर चलते हैं झारखंड के चुरचू प्रखंड की ओर, जिसे की झारखंड का पहला ओपन डेफिकेशन फ्री प्रखंड घोषित किया गया, जो कि अब चुरचू से कहलाया जाता है, एक चमकता चुरचू। चुरचू झारखंड के हजारीबाग का एक अति उग्रवाद प्रभावित प्रखंड कभी ऐसा कहा जाता था, आज इस पर लोग ठठा कर हंस पड़ते हैं। ये मतलब अल्टर जगह है, समझ रहे हैं? गुरबादी जगह। ठठा कर हंस देने के पीछे कहानी है, बदलते चुरचू की, चमकते चुरचू की। अलसाई सुबह जब जिंदगी को घिसटती थी, फसल क्या जाते थे, क्या खाना कहते, अनजाना डर जब नई पौध को सताता था, बगल के लोग रहते थे हमेशा देखते उगते रहते थे, डिब्बा लेके जाना पड़ता था, घर की खुशियां जब झटके से टूट जाती थी, शौचालय का कमी है, शौचालय बनाइए तो हम रिश्ता करेंगे, लाज जब मजबूरी की ओट में सहमती थी, तब किसी ने लाल किले के प्राचीर से ये सब बंद हो की उद्घोषणा की थी। महात्मा गांधी को सबसे प्रिय था सफाई, स्वच्छता। क्या हम तय करें कि 2019 जब महात्मा गांधी की 150वीं जयंती बनाएंगे, हमारा गांव, हमारा शहर, हमारा गली, हमारा मोहल्ला, हमारी स्कूल, हमारे मंदिर, हमारी अस्पताल, सभी क्षेत्र गंदगी का नामो निशान नहीं रहने देंगे। आज भी हमारी माताओं बहनों को खुले में शौच के लिए जाना चाहते,
डिग्निटी ऑफ विमेन, क्या ये हम सबका दायित्व नहीं है? बेचारी गांव की मां बहनें अंधेरे का इंतजार करती हैं, जब तक अंधेरा नहीं आते हैं जाता है वो शौच के लिए नहीं जा पाती है, उसके शरीर को कितनी पीड़ा हो गई होगी, कितनी बीमारियों की जड़ें उसमें से शुरू होती होगी। क्या हमारी मां बहनों की इज्जत के लिए हम कम से कम शौचालय का प्रबंध नहीं कर सकते हैं? तब कोई केंद्र के मंत्री कुछ ठान लेते हैं, तब कोई जिले का कलेक्टर उस उद्घोष का मान रखता है, तब कहीं चुरचू चमकता चुरचू बनता है। लेकिन निर्मल भारत अभियान एक अभियान है, हम सब इसको एक योजना की तरह नहीं ले सकते थे, और हम सब जानते हैं कि शौचालय किसी स्कीम के तहत नहीं बनवाई जा सकती है, इसको उत्साह ऊर्जा और अभियान के जरिए ही कॉम्पनसेट किया जा सकता है। घने जंगल झाड़ वाला प्रखंड चुरचू, जिसकी आबादी लगभग 50,000 है, मूलतः यहाँ अनुसूचित जनजाति के लोग रहते हैं। यहाँ के 8 पंचायतों में लगभग 10,000 परिवार हैं, 10,000 घरों में शौचालय की संख्या लगभग 2,000। इस प्रखंड को खुले में शौच मुक्त बनाने के लिए जब इसे चुना गया तो इसके पीछे केवल उद्देश्य यह था कि लोगों में विश्वास जगे। जब चुरचू को हम लोगों ने चुना, लोगों में यह विश्वास पैदा हुआ कि जिला प्रशासन अगर इस डिफिकल्ट एरिया में ओपन डिफिकेशन फ्री के लिए एक ड्राइव चलाना चाहती है, तो ये विश्वास जो है उसी ऊर्जा की तरह काम कर रहा था जिसकी सबसे ज्यादा शायद इस अभियान को जरूरत थी। अभियान के लिए अधिकारियों के बीच बैठकें हुई और 8,000 शौचालय 2 महीने के भीतर बनाने का संकल्प लिया गया। 2 महीने में 8,000 शौचालय असंभव सा लक्ष्य था, लेकिन लोगों का साथ अगर मिले तो यह संभव था। इसके लिए सबसे पहले जनप्रतिनिधियों के साथ बैठकें की गई। चुरचू का हर घर यानी लगभग 10,000 परिवारों से स्वच्छता शपथ ली गई। शौचालय संबंधी सभी परेशानियों के हल के लिए स्वच्छता मार्ट बनाए गए। फिर भी लोगों में हिचक थी कि सरकारी अनुदान है, पैसा मिलेगा भी या नहीं। इसके निराकरण के लिए हर पंचायत स्तर पर एक अधिकारी लगाए गए, जो अपनी देखरेख में न केवल निर्माण कार्य देखते बल्कि आने वाली परेशानियों का भी हल करते। 12,000 की रकम में पूरा शौचालय कैसे बने, इसके भी उपाय खोजे गए। ISI मार्का वाले अच्छे सीमेंट, जिनका बाजार भाव 370 रुपए प्रति बोरा था, उस सीमेंट के कारोबारियों से उसे 270 रुपए प्रति बोरे के हिसाब से उपलब्ध कराया गया। ईंट जहां 4,500 रुपए प्रति हजार बिकती थी, उसे 2,500 में उपलब्ध कराया गया। बालू की कीमत भी व्यापारियों से कम करने को कहा गया। और ये सब अधिकारियों के निवेदन और स्वच्छता के नैतिक जिम्मेवारी उन पर तय करने की बात से ही हो गया। फिर दौर चला विशेष जागरूकता अभियान का। रात्रि चौपाल लगाया गया, जहां कभी नक्सली क्षेत्र की बात का अधिकारी जाने से कतराते थे, वहां स्वच्छता के जागरूकता के लिए रात्रि चौपाल लगाए गए। सभी धर्म गुरुओं के साथ बैठकें की गईं, महिला मंडल, प्रबुद्ध जनों, व्यवसायियों के साथ बैठकें की गईं, कैंडल मार्च निकाला गया। स्कूलों में हाजिरी के वक्त यह सर की जगह बच्चों से शौचालय है शौचालय नहीं है के नारे लगाए गए। पहले जहाँ शौचालय नहीं बच्चे अधिक कहते थे, धीरे धीरे शौचालय है कहने लगे। अगर किसी को कोई खुले में शौच जाता दिखता तो लोग सीटियां बजाते, डमरू बजाते, वह आदमी वापस अपने घर के शौचालय का उपयोग करने लगता। गांव के सार्वजनिक स्थलों पर स्वाभिमान पट लगाए गए, जिस पर शौचालय बनाने वालों के नाम लिखवाए गए। त्वरित स्तर पर चेक निर्गत किए गए। फिर पूरे प्रखंड में शौचालय निर्माण की ऐसी लहर उठी कि बस 2 महीने में 8,000 से अधिक शौचालय का निर्माण हो गया और चुरचू झारखंड का पहला खुले में शौच मुक्त प्रखंड बन गया। 2 महीनों के भीतर 8 पंचायतों में तकरीबन 8,000 से ज्यादा शौचालयों का निर्माण और बड़े ही खूबसूरत कलरफुल शौचालयों का निर्माण। इस अभियान ने चुरचू प्रखंड के लोगों के चेहरे खिला दिए, निराशा के बीच आशा का संचार हुआ और जब मान सम्मान बढ़ा तो लोगों ने धन्यवाद करना जरूरी समझा। हम लोग उम्मीद के छोड़ दिए थे कि कभी लैट्रिन बुक करेगा सर, सरकार तो मैंने अब दुआ से बहुत धन्यवाद सर मोदी जी, उसको अति से शौचालय सबके बना दिया कि जगह साथ में अपना बहू बेटी
बैठे इज्जत के साथ, कि मैंने बाहर नहीं कोई जा सकता। जैसे कि जो मुसीबत आता था शौच आने पर, और उतना दूर जाना पड़ता था, लगता था कि कहाँ जाएं कहाँ नहीं जाएं, इधरे नजीक में बैठ जाएं, ये मुसीबत से दूर हो गए। और उनको भी हम बहुत बड़ा धन्यवाद करते हैं, हम अपने प्रधानमंत्री को। जोर से लगी बेटा है। बेटा कहीं भी बिठा दो, बच्चा ही तो है, मुझे बड़ी जोर से स्कूल में हमने सीखा कि छोटे बच्चों को भी शौचालय का इस्तेमाल कराना चाहिए। अरे क्या बड़ी बात है। बच्चों को शुरू से ही शौच हमेशा शौचालय में ही करना सिखाएं। स्वच्छ भारत मिशन, एक कदम स्वच्छता की ओर। स्वच्छता आपसे हमसे हम सभी से जुड़ी है। स्वच्छ भारत मिशन तभी सफल कहलाएगा अगर हम सब अपनी आदतों में बदलाव लाएं, अगर हमारे व्यवहार में परिवर्तन आए। यही बदलाव, यही परिवर्तन झारखंड राज्य के निवासियों में देखा गया, तभी तो वहां पर स्वच्छ भारत मिशन सफलता की ओर आगे बढ़ता रहा। बहरहाल और क्या क्या प्रयास हुए और क्या क्या परिवर्तन आए, इसके बारे में हमें बताया वहाँ के स्टेट कोऑर्डिनेटर रविंद्र वोरा ने, जिनसे बातचीत की मेरी सहयोगी गीताशा ने। हमारे साथ है रविंद्र बोरा, स्वच्छ भारत मिशन के स्टेट कोऑर्डिनेटर झारखंड से। उनसे जानते हैं कि झारखंड में खुले में जो शौच जाने की आदत है, किस तरह से बदलाव आया लोगों के अंदर, और अब जो हम मॉडल्स देख रहे हैं यहाँ पर दो तरह के हैं और एक बायोगैस प्लांट, किस तरह से लोग उसका यूज़ कर रहे हैं और क्या नई तकनीक लाई जा रही है लोगों को इस ओर जागरूक करने के लिए कि ओपन डिफिकेशन फ्री बनाया जाए झारखंड को। आपका बहुत बहुत स्वागत है स्वच्छ भारत में। आपसे जानना चाहेंगे, एक तो लोगों के अंदर जो बदलाव आया है खुले में शौच जाने का, वो किस तरह से तब्दीली आई, क्या क्या कोशिशें की गई, किस तरह से मॉडल्स आप लेकर आए टॉयलेट्स के, और अब लोग किस तरह से उसको यूज़ कर रहे हैं। झारखंड में जैसा कि सभी जानते हैं कि एक ट्राइबल स्टेट है और नया बना हुआ राज्य है। झारखंड के साथ एक सबसे बड़ी त्रासदी ये है कि झारखंड में जितना प्रगति आनी चाहिए थी पिछले 10 वर्षों में, उतनी आ नहीं पाई, कुछ अन्य कारण भी प्रभावी रहे। लेकिन वर्तमान में झारखंड ने स्वच्छता के क्षेत्र में काफ़ी तरक्की की है। जहां एक साल पहले झारखंड में स्वच्छता कवरेज 8% मात्र था, वहां अब एक साल के अंदर हम लोगों ने 10% बढ़ोतरी करते हुए 18% कवरेज दिखाया है, जो कि किसी भी स्टेट के लिए एक बहुत बड़ी बात है। झारखंड में खुले में शौच की प्रवृत्ति को रोकने के लिए हम लोगों ने कम्युनिटी को ओवन किया, कम्युनिटी से बात करके हम लोगों ने कम्युनिटी के द्वारा ही सैनिटेशन का प्रचार प्रसार किया। जैसा कि आप यहाँ चित्र में देख सकते हैं कि हम लोग समुदाय के बीच में जाकर के उसको ट्रिगर कर रहे हैं। समुदाय के कौन से वीक पॉइंट है, समुदाय किस प्रकार से लोग समझ सकते हैं, हम उन्हीं चीज़ों को ट्रिगर कर रहे हैं। हम एक डिबेट करवा देते हैं, स्कूल के माध्यम से हम बात करते हैं, स्कूलों में बच्चों के माध्यम से बात करते हैं कि किस प्रकार से खुले में शौच जाने के लिए क्या है। हमारे यहाँ पर प्रशासन की तरफ से, जिला प्रशासन की ओर से हर एक जिले में अलग अलग इनोवेशन हुए। कुछ जिलों में इस प्रकार से इनोवेशन हुआ कि स्कूल में बच्चों के माध्यम से शौचालय, अध्यापक हाजिरी लेते वक्त जो है पूछते हैं क्या आपके घर में शौचालय हैं, तो बच्चे लोग जवाब देते हैं हाँ। अच्छा बेटा कब तक बनेगा, पापा ने क्या बताया, इतना पूछना बहुत है, बच्चा अपने घर में जिद करता है। इवन महिलाओं ने, हमने जो रक्षाबंधन का और भाई बीज का त्यौहार होता है उसमें महिलाओं को हमने ट्रिगर किया, तो कई महिलाओं ने जो है वो इस प्रवृत्ति के बदलाव के लिए जो है वो भूख हड़ताल तक की है। उस भूख हड़ताल में महिलाओं ने भाइयों के समक्ष रख दिया, यदि आप अपनी रक्षा के लिए हैं, आप भाई हैं, हमारा रक्षा सूत्र बांधते हैं, तो हमको शौचालय दीजिए जो हमारे पूरे परिवार की रक्षा करता है। भैया, इस बार आप राखी में मुझे क्या उपहार देंगे? इस बार राखी में मैं तुम्हें तुम्हारी सुरक्षा, मान मर्यादा और आत्मसम्मान की रक्षा का उपहार दूंगा। मतलब अपने घर में शौचालय बनवाऊंगा, तुम्हें भय, शर्म और असुविधा से बचाऊंगा। वाह, क्या सोच है भैया। जहाँ सोच वहाँ शौचालय। कब तक आप सरकारी प्रोत्साहन राशि का इंतजार करेंगे, आगे आइए, अपने प्रयासों से इस राखी में अपनी बहन को शौचालय का उपहार दीजिए। भैया नंबर वन कहलाइए, प्रशस्ति पत्र पाकर सम्मान के हकदार बनिए। और हाँ, स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत शौचालय निर्माण हेतु 12,000 रूपए प्रोत्साहन राशि का लाभ उठाइए, तो जल्दी कीजिए। तीसरा, हम लोगों ने कोशिश किया कि व्यवहार परिवर्तन के लिए शौचालय एक छोटा अस्पताल है, उसको हम एक होममेड हॉस्पिटल के रूप में बात कर रहे हैं। स्वच्छता में अगर केवल साबुन से हाथ धोना और खुले में शौच करने को रोकना,
ये दो चीजें अगर बंद कर दी जाए तो हम 80% बीमारियों से बच सकते हैं। कैसा सर्वे भी है कि जहाँ जहाँ खुले में शौच की प्रवृत्ति अधिक है वहाँ कुपोषण अधिक है, वहाँ पर खिलाड़ियों का और अन्य स्तरों पर परफॉर्मेंस कम हो जाता है। लेकिन झारखंड में एक अच्छी बात है कि ये चीज़ होने के बावजूद भी कुपोषण तो है लेकिन खिलाड़ी काफ़ी निकल रहे थे। हमने खिलाड़ियों से खेलों से जोड़ा, इसलिए हमने पूर्व में ओलंपियन जो दीपिका कुमारी है उनको ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया और साथ ही साथ हम लोगों ने लोगों के स्वास्थ्य से जोड़ते हुए टॉयलेट को होम मेड हॉस्पिटल के रूप में दिया। ये आपका छोटा हॉस्पिटल, ये आपके बच्चों को बीमारियों से बचाएगा, पूरे परिवार की रक्षा करेगा। हमने इसको इस प्रकार से लिया कि लोगों की मान मर्यादा अस्मिता और इसके संबंध में हमने कई तरह के कार्टून के माध्यम से भी बनाए कि एक व्यक्ति खुले में शौच कर रहा है और एक कुत्ता, जैसा कि चित्र में भी देख सकते हैं कि एक कुत्ता जाकर के उसको पूछ रहा है कि क्या तू भी मेरी तरह खुले में शौच कर रहा है, तो कहीं ना कहीं आदमी को ट्रिगर करता है। इस प्रकार से हमने शौचालय का जो है वो उपयोग बढ़ाया। सेप्टिक टैंक और बायो टॉयलेट और लीचपिट तकनीक, इन तीनों के क्या लाभ है क्या हानि, हम इस चीज़ को लोगों के बीच में ले जा करके रखते हैं, लोगों के बीच में उसके सारे लाभ और हानि के ऊपर चर्चा करते हैं, लोगों को बताते हैं किस प्रकार। जैसे सेप्टिक टैंक है तो सेप्टिक टैंक का हम लोगों ने वीडियो बनाया कि सेप्टिक टैंक जिसके घर में भर गया, हम लोग गाँव में जब सभा करते हैं तो लोगों को पूछते हैं कि आप लोग शौचालय में का प्रयोग किए हैं, हर व्यक्ति कभी ना कभी तो किया ही होगा, तो सेप्टिक टैंक को भरा हुआ देखा है तो एक आध व्यक्ति हाथ खड़ा कर देता है, हाँ मेरे ननियाल में भरा था, मेरे चाचा के यहाँ भरा था। तो वो शौचालय जब भर गया सेप्टिक टैंक तब आपके यहाँ क्या प्रतिक्रिया हुई उसको पूछते हैं, तो बताता है साहब बड़ी मुश्किल हुआ, खाली करने को आदमी नहीं मिला, फिर हम लोगों ने 2-3 रिश्तेदारों ने रात को जो है वो बाल्टी से खाली करके उसको किया। तो ये एक पूछते हैं, मैंने कहा अच्छा मेरा जो लीचपिट है इसमें आपको कहीं समस्या हुई देखा कभी, कि नहीं साहब। मैंने कहा सेप्टिक टैंक में आपको पूरा टैंक खाली करना पड़ेगा जब भी भरेगा और उसके सेफ डिस्पोजल का कोई रास्ता नहीं, उसको नदी में डाल देंगे, उस नदी के पानी से लोग सिंचाई करेंगे, खेती करेंगे, वो मल किसी न किसी प्रकार आपके पेट में जाएगा। तो हम कोशिश करें ऐसा शौचालय अपनाएं जो हमें बीमारियों से बचाए और साथ ही साथ वो मल को, ये पानी को किसी प्रकार से दूषित नहीं करे। तो हमने दो तरह की टेक्निक के ऊपर काम किया। झारखंड में जैसे कि बारिश काफ़ी रहती है, कई जगह नदियाँ हैं, तो नदियों के किनारे जहाँ डूब क्षेत्र आ जाता है, बाढ़ क्षेत्र, जैसे कि गंगा हमारे यहाँ पे बहती है साहिबगंज जिले में, तो माननीय प्रधानमंत्री जी का जो महत्वाकांक्षी कार्यक्रम है नमामि गंगे, उस कार्यक्रम में भी काफ़ी सारा क्षेत्र जो है ऐसा है जहाँ के पानी से डूब जाते हैं गांव, तो वहाँ पर लीचपिट तकनीक में थोड़ा सा समस्या आती है। तो वहाँ पर हमने ये बायो टॉयलेट जो कि DRDO के द्वारा डेवलप है उसको हमने प्रमोट किया। इस बायो टॉयलेट को हम देख सकते हैं कि यहाँ पे आदमी बैठ के शौच करता है और शौच के बाद जो है वो मल जो है वो यहाँ से नीचे टैंक में चला जाता है। टैंक जो है वो बहुत छोटा होता है, आमतौर पर बहुत कम जगह में बन जाता है, कई बार तो वो ऑन द पिट भी बन जाता है, मतलब शौचालय के नीचे ही। इस टॉयलेट में जो है वो यूज़र के हिसाब से बैक्टीरिया का डोजिंग होता है, जैसे 5 से 10 परिवार का है, परिवार है 5 से 10 व्यक्ति का, उसमें बैक्टीरिया उसी हिसाब से डाला जाएगा, अगर परिवार ज़्यादा है तो उसी हिसाब से डाला जाएगा। तो बैक्टीरिया जो है वो लाइफ में एक बार डाला जाता है, उस बैक्टीरिया के अंदर डालने के बाद एक थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है कि हमको एसिड या हार्पिक वगैरह से काम नहीं लेना है। और वो टॉयलेट जो है वो लाइफ टाइम में बैक्टीरिया सिर्फ एक बार डाला जाता है और बैक्टीरिया का डोजिंग होने के बाद वो 72 आवर्स में, 72 घंटे में मानव मल को पानी में बदल देता है। उस पानी को हम बाहर ले लेते हैं, या तो हम प्लांटेशन में काम लेते हैं, कहीं पर भी गार्डनिंग में काम ले सकते हैं, हम जानवरों को पिलाने के भी काम में ले सकते हैं, और दूसरा जो है वो उसको सोखता गड्ढा में डाल देते हैं जिससे कि रिचार्ज होकर के वो नीचे चला जाता है और भूगर्भ को बढ़ाता है। तो बायोडाइजेस्टर टॉयलेट पूर्णतः सुरक्षित तकनीक है। मानो समझो शौचालय की जरूरत, शौच के बाद हाथ धोना भूलो मत, अब नहीं तो कब, अब नहीं तो कब, अब नहीं तो कब। रुको सचिन,
शौच करने से खेल ही नहीं, सेहत भी खराब होती है। इन्हीं गंदे हाथों से जब हम खाना खाते हैं तो फैलता है डायरिया, जो हमें बीमार और कमजोर बना देता है। शौच के लिए शौचालय का ही उपयोग करें, बीमारियों को करें क्लीन। स्वच्छ भारत मिशन, एक कदम स्वच्छता की ओर। झारखंड के निवासी जैसे कि स्वच्छ भारत मिशन से जुड़ रहे हैं, अपने व्यवहार में परिवर्तन ला रहे हैं, यही जुड़ाव संपूर्ण भारतवर्ष में कोने कोने में देखने को मिला, जिस कारण आज ये मिशन सफल कहलाया जा रहा है। घर बैठे लोग अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहे या फिर देना चाहे कोई भी सुझाव, आप हमें लिख सकते हैं इस पते पर। हमारा पता है स्वच्छ भारत, कमरा नंबर 625, दूरदर्शन केंद्र, दूरदर्शन भवन, फेज 2, मंडी हाउस, कॉपरनिकस मार्ग, नई दिल्ली 110001। ईमेल के माध्यम से भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है sb@ddkdelhi.org.in। हमारे कार्यक्रम आप YouTube पर भी देख सकते हैं। दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।